अब हम बात करेंगे बीडी केहरी की। BS4 छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए डॉक्टर बीडी केहरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत करने के साथ ही मुरादाबाद मंडल का प्रभारी भी बनाया गया है। उनका अमरोहा पहुंचने पर कांग्रेसियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर भगवान दास केहरी ने कहा कि वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सपनों को हर हाल में साकार होने में मदद करेंगे और मंडल में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपने युवा नेता राहुल गांधी के मिशन 2012 को हर हाल में सफल बनाना है, जिससे कि प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती मिले और आने वाले चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक प्रहलाद प्रसाद द्विवेदी ने डॉक्टर बीडी केहरी को कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत करते हुए जैसे ही केहरी के समर्थकों को उनके मनोनयन की सूचना मिली कि उनके नेता को कांग्रेस के उच्च पदों पर मनोनीत किया गया है, तभी भारी संख्या में कांग्रेस जन रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनको घर तक लाए और कार्यकर्ताओं ने उनको फूल मालाओं से लाद दिया। उन्होंने सभी कांग्रेस जनों का आभार जताते हुए कांग्रेस को मजबूत करने पर बल दिया। अब हम बात करेंगे बीडी केहरी की। BS4 छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए डॉक्टर बीडी केहरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत करने के साथ ही मुरादाबाद मंडल का प्रभारी भी बनाया गया है। उनका अमरोहा पहुंचने पर कांग्रेसियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर भगवान दास केहरी ने कहा कि वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सपनों को हर हाल में साकार होने में मदद करेंगे और मंडल में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपने युवा नेता राहुल गांधी के मिशन 2012 को हर हाल में सफल बनाना है, जिससे कि प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती मिले और आने वाले चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक प्रहलाद प्रसाद द्विवेदी ने डॉक्टर बीडी केहरी को कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत करते हुए जैसे ही केहरी के समर्थकों को उनके मनोनयन की सूचना मिली कि उनके नेता को कांग्रेस के उच्च पदों पर मनोनीत किया गया है, तभी भारी संख्या में कांग्रेस जन रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनको घर तक लाए और कार्यकर्ताओं ने उनको फूल मालाओं से लाद दिया। उन्होंने सभी कांग्रेस जनों का आभार जताते हुए कांग्रेस को मजबूत करने पर बल दिया।